तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक किताब के विमोचन का ये मौका, और उसी वक्त मोहन भागवत वहां पर मौजूद हैं और अपनी बात वो रख रहे हैं। क्या कहा है मोहन भागवत ने, आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक किताब की के विमोचन का ये मौका है, जहां पर मोहन भागवत भी मौजूद हैं और अपनी बातें वो रख रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। करने के लिए तुम योग्य बनो, आत्मा है नहीं, ईश्वर है नहीं, इस फंद में तुम्हारा लेना देना क्या है भाई? तुम तो त्रस्त हो, भेदभाव तुम्हारे साथ हो रहा है, इसलिए तुम तो त्रस्त हो तुम्हारे गरीबी के लिए। तुम डर रहे हो बूढ़ा बन जाओगे इसलिए, कभी मरोगे इसलिए। पहले इससे अपने को मुक्त करो, बाकी बात छोड़ दो। ये उन्होंने क्यों कहा? वो सत्य के पक्षधर नहीं थे क्या? वो सत्य के पक्षधर थे, उन्होंने सत्य की प्राप्ति की थी, वो बोधि प्राप्त थे। लेकिन उन्होंने ये जाना कि समाज को दुख मुक्त करना ये पहली आवश्यकता है। सुख प्राप्ति होने के बाद आदमी आगे बढ़ सकता है, पहले तो उसको दुखों से ही सामना करना पड़ता है। ये उनके मन में क्यों आया? क्योंकि वो करुणा अवतार थे। बिना करुणा के सत्य का कोई अर्थ नहीं है। सत्य है, अपनी जगह है, हम माने न माने वो है, और हम नहीं मानकर भी चलते हैं तो अपने व्यावहारिक सत्य को संभालते हुए ही चलते हैं। परंतु समाज के लिए एक कल्याणकारी रास्ता दिखाना है, मानवता के लिए एक कल्याणकारी रास्ता दिखाना है, तो सत्य के साथ जिसके मन में करुणा है वो चल सकता है। और ऐसी करुणा मन में रखने के लिए अंतर्बाह्य शुचिता चाहिए। जिसका मन साफ नहीं, वो विकारों से ग्रसित है, स्वार्थ से ग्रसित है, उसके मन में क्या करुणा आएगी? वो तो राक्षस बन सकता है अपने स्वार्थ के लिए। और इसलिए अंतर्बाह्य स्वच्छता का महत्व है। स्वच्छता से क्यों, गांधी जी का इतना जोर क्यों था? गांधी जी कोई उस समय की राजनीति को नहीं जानते थे वगैरह, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी अपने समाज को जागृत करने का उद्यम जब प्रारंभ किया, तब के उनके अपने समाज में किए हुए भाषण लिखे, वो बाकी सारी बातें बताती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बताने से नहीं चूकते कि साफ रहो, कपड़े ढंग से पहनो, भाषा अपनी ठीक करो। क्यों? क्योंकि इस अंतर्बाह्य स्वच्छता का महत्व ये बहुत दूर दूर तक जाता है, उसके परिणाम होते हैं, मन बुद्धि तक के उसके परिणाम होते हैं। और ऐसा रहना है तो तपस्या ही है, वो तपश्चर्या है। हमारा ध्यान नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व पर जाना स्वाभाविक बात है, अस्वाभाविक कुछ करने का जरूरत नहीं, वो जाता है स्वाभाविक बात है। लेकिन हमारा ध्यान उससे आगे इन बातों पर जाना चाहिए। कर्तृत्व की बात आती है, किसने क्या किया, और जिस जो कर सका उसका गुणगान होता है, होना ही चाहिए, किया है तो होना चाहिए, उसमें कोई। लेकिन अगर हमको देश के लिए योग्य बनना है तो कर्तृत्व संपन्न व्यक्तियों के कर्तृत्व के पीछे क्या है? कर्तृत्व का मूल कहां है? अपने ऐसा कहते उद्यमम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत। और इन छह गुणों के साथ, वो छह गुण दिखते हैं आपको, मोदी जी का चरित्र उस ढंग से आप पढ़ेंगे तो ये छह गुण दिखेंगे आप। लेकिन उसके साथ साथ और एक बात होती है कि किसी कार्य को असंभव न मानते हुए जो होना चाहिए वो करने के लिए करना शुरू करना। होना क्या चाहिए इसकी बात तो आजादी के बाद निरंतर चली है अपने देश में, 70 साल नहीं हुई, अब हो रही, क्यों हो रही, कर रही इसलिए हो रही, कर क्यों रहे? क्योंकि उसको असंभव नहीं मानते थे, वो करके देखेंगे, कैसा करना सोचेंगे, ऐसा नहीं होता तो वैसा करके देखेंगे। ये कर्तृत्व के पीछे छुपा हुआ कर्तृत्व, उस पर हमारा ध्यान जाना है। नेतृत्व, वोट मिलते हैं तो नेता हो जाता है, लेकिन वोट क्यों मिलते हैं? केवल चमत्कार से नहीं मिलते, वोट प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले तो साथ ही रहते, वो साथ काम किए हुए रहते, वो देखते हैं व्यक्ति को, उनको ये अनुभव आता है कि ये आदमी कैसा है, पात्रे त्यागी, योग्य व्यक्ति के लिए छोड़ने वाला देने वाला, गुणे रागी, गुणों पर प्रेम करने वाला। हाथ पकड़ के पाठक जी को मंच पर क्यों ले गए? प्रदर्शन देखा तब ध्यान में आ गया कि इनके करने में गुण है,
और गुणवान व्यक्ति को समाज की आवश्यकता है, समाज को गुणवान व्यक्ति की आवश्यकता। भागी परिजन ही सह, सबके साथ बांट कर लेता है, अकेला नहीं होता है। शास्त्रे बोद्धा, शास्त्रों को जानता है और जिन शास्त्रों को जानने की आवश्यकता है उनको जानने का प्रयास करता है। रणे योद्धा, रण में योद्धा, जब रणांगण का प्रसंग आता है तो आगे बढ़ता है। ये नेतृत्व के पीछे के नेतृत्व गुण है। दिखने वाली बातों का अनुकरण संभव नहीं है सबसे, हर एक आदमी अलग अलग होता है, वो अलग अलग काम कर सकता है और जैसा उन्होंने किया बिल्कुल वैसा हम करेंगे ऐसा संभव नहीं है। महाराष्ट्र में एक बार हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 300 वर्ष पूर्ण हो गए, प्रत्येक घर में शिवाजी महाराज का संदेश पहुंचाएंगे। अब आज से भी शाखाएं उस समय कम थी, 71 की बात है। अब प्रत्येक गांव में पहुंचना कैसे, तो कार्यकर्ताओं ने समय दिया, प्रवास किया। एक कार्यकर्ता ने सोचा शिवाजी महाराज का संदेश पहुंचाना है, तो उनके जो साथी थे मावड़ा जिनको मराठी में कहते, वैसा वेश धारण करके घोड़े के बैठकर मैं अपने ब्लॉक में सब गांव में जाऊंगा। और घोड़े पर बैठकर वो निकले, 3 दिन प्रवास करके आए, लेकिन घर के सामने वो घोड़े पर उतर नहीं सके, घोड़े से उनको उठा के उतारना पड़ा। शिवाजी महाराज ने किया होगा घुड़दौड़ सतत घोड़े पर बैठकर, ऐसी घुड़दौड़ आज के तारीख में हम कर ही सकेंगे ऐसा नहीं है। कब कर सकेंगे, जब ये नेतृत्व के पीछे व्यक्तित्व के पीछे ऐसे गुण हैं उनको हम देखेंगे। नरेंद्र भाई का नेतृत्व देश का आशा की किरण क्यों बना, ये गुण है, वो गुण आदमी को चमकाते हैं, लेकिन उस चमक दमक में आदमी बह नहीं जाता, अपना काम ठीक करता है। इसका कारण क्या है, उसके पीछे भक्ति रहती है, राष्ट्रभक्ति रहती है, और भक्ति से आदमी काम करता है। आदमी अहंकार से भी काम कर सकता है, मैं करके दिखाता हूं, स्वार्थ काम करने की प्रेरणा है, भय पीछे लगाए आदमी काम कर देता है। गोल मटोल मोटा ताजा आदमी मैंने प्रत्यक्ष देखा है, चलने में भी वो ऐसा डुलते डुलते चलता था, उसको कहना पड़ता था भाई चलो, तो कहता था तुम्हारा शरीर तो पतला है, तुम मेरे जैसे शरीर का बोझ ढोके बताओ फिर बताओ चलने के लिए। लेकिन जा रहे थे एक बार तो सांप आ गया कहीं से, पैर में से चला गया, तो 3 फुट ऊंचा और 7 फुट लंबा कूद के वो अलग हो गया। तो मैंने पूछा उसको, तुम तो चलने में भी आनाकानी करते हो, ये कैसा कर लिया, तो उन्होंने नहीं करता तो क्या मरता, ये भय रहता है, भय के लिए भी आदमी काम करता है, मजबूरी में भी अच्छा काम करते हैं लोग। लेकिन जिसका काम जनगणों के लिए कल्याणकारी होता है, उसका काम इसलिए कल्याणकारी होता है कि उसके मन में भक्ति रहती है, यानी प्रेम रहता है, आत्मीयता रहती है, मेरा समाज है, मेरा देश है, उसके लिए मुझे करना है, मेरे अपने के लिए नहीं करना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न। और उस आत्मीयता में मोह नहीं रहता किसी के प्रति, उस आत्मीयता में तत्वनिष्ठा रहती है, देश के भले के लिए जो उपयुक्त है वो मेरे लिए उपयुक्त है, मेरी अपनी रुचि अरुचि कुछ भी हो, देश के कल्याण के लिए आवश्यक है हम जोड़ेंगे। श्रद्धा रहती है कुछ अच्छा होगा, निराशा नहीं रहती, निराशा की मनस्थिति आई थी समाज में, उस मनस्थिति से निकाल क्यों सके देश को, इसलिए कि जो सारे प्रयास करने वाले लोग थे उनके मन में ये श्रद्धा थी कि ये देश मिटेगा नहीं, ये देश बढ़ेगा। इसका एक चिरंतन जीवन कार्य है, वो जीवन कार्य समय समय पर संपन्न करने के लिए इसको बलवान बनना ही पड़ेगा, इसको मरने की अनुमति नहीं है नियति की। इस श्रद्धा को लेकर साथ चले हैं, विश्वास होता है स्वयं पर, आत्मविश्वास होता है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास होता है, अपने कार्यपद्धति पर विश्वास होता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है, और साथ में समर्पण होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेन वा बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृति स्वभावात्, काया वाचा मनसे
बुद्धि से, आत्मा से, प्रकृति स्वभाव जिसके ऊपर कोई उठ नहीं सकता, उसके ऊपर भी उठ के कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करने का दम उस समर्पण के कारण आता है। ये भक्ति सीखनी चाहिए, ये भक्ति देखनी चाहिए कितनी है, कहां है, खोजनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। हम ये कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको वो उस परिस्थिति पर निर्भर पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र भाई, इसलिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। कल हो सकता है ये मौका आएगा कि जिसको कुछ करना है उसको प्रधानमंत्री नहीं बनना, ऐसा भी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, तब हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे बात अलग है। हम उस भक्ति के साथ काम करेंगे और विवेक के साथ काम करेंगे। विवेक रखना पड़ता है, बिना विवेक के कोई कार्य सफल नहीं होता है। रास्ता चलना है तो रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहां से और नागपुर जाना है, ट्रेन में बैठकर जब जाते हैं, विमान में भी बैठकर जब जाते हैं, आसमान में तो कुछ अवरोध नहीं, फिर भी कहां टर्बुलेंस है क्या है देखकर उस विमान को भी टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं जाता वो, टेढ़ा मेढ़ा जाता है। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जाकर भी नागपुर पहुंचता है, क्योंकि एक बार टेढ़ा हो गया तो दूसरी बार टेढ़ा करके लाइन पर लाने का वैमानिक का वाहन है, कौशल्य है। जीवन ऐसा ही है, जीवन में काम करने के लिए सीधा नहीं जा सकते, लेकिन लक्ष्य क्या है वो नित्य है, वहीं जाना है। अभी तात्कालिक परिस्थिति में इधर जाना पड़ा, कल वहीं जाना है, पहुंचना वही है। ये नित्य है, उसका विवेक नित्य अनित्य विवेक, सारा सार विवेक। कई बार माध्यमों में डिबेट में आप देखते हैं कि जो शीर्षक मुख्य मुद्दा रहता है डिबेट का वो छूट जाता है, दूसरी ही बातों पर चलता है। खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते, अरे भाई डिबेट का मुद्दा क्या है, नहीं वो तो छूट गया। सार रखना, असार को छोड़ देना। रामकृष्ण परमहंस के पास एक गए साधु, उन्होंने कहा 12 साल हिमालय में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और ऐसे बन गए वैसे बन गए, क्या कर सकते, पानी पर चल सकते, गंगा पर चल के दिखाया उन्होंने। रामकृष्ण हंसने लगे, पूछा उसने कि क्या बात है भाई, हंस क्यों रहे हो? तो बोले भाई हम रोज 2 पैसा देकर गंगा के पार जाते हैं और वापस आते हैं, उसके लिए 12 साल तुमने गवाए हिमालय में जिंदगी की। तपश्चर्या सत्य को पाने के लिए होती हो, तुम सिद्धि पाके बैठ गए। ये सारा सार विवेक पाई, और मन वचन कर्म का विवेक चाहिए। विवेकहीन कर्म, विवेकहीन सोच, विवेकहीन वाणी अनर्थ करती है। अनर्थ करने का उद्देश्य न होकर भी वो हो जाता है। ये सारी बातें उस व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व के पीछे कहां कहां है, कैसी कैसी है, उसको अगर हम पढ़ेंगे उस पुस्तक में, तो नरेंद्र भाई कर रहे बहुत अच्छी बात है। अपने समाज की एक बुरी आदत है, उनको एक ठेकेदार की आवश्यकता लगती है हमेशा, और अभी उनको एक ठेकेदार, अच्छा समर्थ ठेकेदार मिल गया है समाज के कल्याण का। खतरा यह है कि ठेकेदार के सर सब मर देंगे हम लोग और हम लोग सो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चरित्र लेखन का यह उद्देश्य नहीं रहता, चरित्र लेखन का यह उद्देश्य रहता है कि मराठी में हम ऐसा कहते थे बचपन में, प्राइमरी स्कूल में ये पढ़ाते थे, थोर महात्मे होऊनी गेले, थोर महात्मा हो गए, चरित्र त्यांचे पहा जरा, उनके जैसा चरित्र देखो, उनका चरित्र पढ़ो, आपने त्यांचा समान वावे, हम भी उनके समान बने, हाथ सापड़े बोध करा, यही अच्छा बोध मिलता है। लेकिन उनके जैसा, यानी नरेंद्र भाई की दाढ़ी है, मेरी भी दाढ़ी होगी, वो जैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहनूंगा, वो जैसा बोलते वैसा, ये नहीं है। ये दिखने वाली बातें हैं, दिखने वाली बातों के पीछे जो होने वाली बातें हैं, जिसके कारण दिखने वाली बातों से इतने बड़े काम हो गए, उन होने वाली बातों को इस चरित्र में पढ़ना और उन होने वाली बातों का अनुकरण करके चलना, इसकी आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम ये चरित्र पढ़ें, ऐसा आप सबके सामने अनुरोध रखता हूं, और मेरे 4 शब्द समाप्त।
तो प्रधानमंत्री मोदी की जीवन यात्रा पर यह किताब लिखी गई है, जिसमें लेखों और तस्वीरों के माध्यम से उनके संघर्ष का वर्णन किया गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।